बिहार की शान है लिट्टी चोखा। बिहार के खान पान का जिक्र होते ही सबसे पहले लिट्टी चोखा का नाम ही जुबान पर आता है। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे लिट्टी चोखा की रेसिपी, जिसे बनाना मुश्किल तो नहीं, बस थोड़ी सी मेहनत लगती है। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने मिक्स रसोई रेसिपी चैनल में। चोखा बनाने के लिए हमने एक बैंगन लिया है, जिसमे हम तेल लगा लेंगे, जिससे कि बैंगन अच्छे से भून सके। अब बैंगन में थोड़ा सा चीरा लगा के हींग भर लेंगे। आप चाहें तो लहसुन लगा सकते हैं। हींग लगाने से बैंगन का बादीपन खत्म हो जाता है, साथ ही नहीं लहसुन की पोते, जिसे भी हम भून लेंगे। उलट पुलट करते रहिए ताकि ये जले ना। बैंगन को चारों साइड से अच्छे से भून लेंगे। साथ ही लेंगे 3 से 4 टमाटर, 1 से 2 आलू, 1 प्याज। इन सभी चीजों को भून लेंगे। हमें इन सभी चीज़ों को जब तक भूनना है, जब तक इनका छिलका अपने आप ना उतरने लगे। आप चाहें तो इन सब चीज़ों को कुकर में भी उबाल सकते हैं, लेकिन भूनने से इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। सभी चीज़ों को ठंडा होने के बाद छील लेंगे। इसी तरीके से हम बैंगन का भरता भी बना सकते हैं। अब लेंगे 2 कप आटा, नमक स्वाद के अनुसार। अब आटे में ऐड करें 2 चम्मच देसी घी। अब आटे में घी को अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के सख्त डो बना लेंगे। ध्यान रखिए लिट्टी का डो गीला नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से हम पूड़ियों का आटा गूंदते हैं, वैसे ही हमें लिट्टी का आटा गूंदना है। अब गूंदे हुए आटे में घी लगा के 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। साथ ही लेंगे 1 कप सत्तू। अब लेंगे लहसुन की कलियां, जिन्हें हम कूट लेंगे। कूटने से लिट्टी के मसाले में स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। आप चाहें तो काट के भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच अचार का मसाला, बारीक कटी हुई भुनी हुई प्याज, 5 से 6 हरी मिर्च, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, 1 चम्मच नींबू का रस। अब डालेंगे 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। अब सभी चीज़ों को मिला लेंगे। सरसों का तेल डालने से इसमें टेस्ट बहुत ही बढ़कर आएगा। रखे हुए आटे को और मसल लेंगे। अब आटे के पेड़े बना लेंगे। हल्के हाथों से आटे की लोइयां बना लेंगे। अब उंगलियों की मदद से कटोरी सी बना लेंगे। आपको एक बात का ध्यान रखना है, कटोरी ज़्यादा मोटी और न पतली हो। अब लिट्टी के मिश्रण को कटोरी में भर लेंगे। जैसे पराठा भरते हैं, वैसे ही हम इसे भर लेंगे। हल्के हाथ से गोल गोल बॉल बनाकर प्रेस कर देंगे। इस तरीके सारी लिट्टियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। अब लगाएंगे घी, जिससे कि लिट्टी सेकने में जले ना। अब लिट्टी को हम गैस पर सेकेंगे। आप चाहे तो चूल्हे पर सेक सकते हैं, क्योंकि हमारे पास चूल्हा नहीं है। उलट पुलट करके चारों साइड से सेक लेंगे। ध्यान दीजिए लिट्टी को 5 से 7 मिनट धीमी आंच पर सेकना है।
चोखा बनाने के लिए भुने हुए बैंगन को कट करके चेक कर लेंगे कि इनमें कीड़े तो नहीं, क्योंकि कई बार होते हैं बैंगनों में कीड़े होते हैं। साथ ही लेंगे भुना हुआ टमाटर, जिसे भी हम कट कर लेंगे। बैंगन और टमाटर को एक बाउल में डाल के अब इसमें जाएगी बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ प्याज, एक चम्मच लहसुन कुटा हुआ, उबले हुए आलू, भुना हुआ जीरा, नमक स्वाद के अनुसार, एक छोटा चम्मच चाट मसाला, साथ ही एक छोटा चम्मच नींबू का रस। अगर आप खट्टा खाना पसंद नहीं करते तो स्किप कर सकते हैं। चोखे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चोखा बनकर तैयार है। हल्का सा लिट्टी को फोड़ लेंगे और देसी घी डाल देंगे। अब लिट्टी और चोखे का मजा लीजिए। साथ ही हमें बताइए लिट्टी चोखे की रेसिपी आपको कैसी लगी। साथ ही मिक्स रसोई रेसिपी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।